अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत से अपने व्यूज़ पूछ रहे हैं कि सर ये जो हम लिस्टें सिलेक्शन लिस्टें FIA में नैबकासर की जो फाइनल मेडल लिस्टें हैं ये हम देख रहे हैं या फिर हम इसके जो सुनने में आ रहा है इसके जो ज्वाइनिंग लेटर मिल रहे हैं ऐसी अभी कोई बात नहीं है, ये फेक हैं। तो ये क्योंकि वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई तो ये फेक हैं, क्या हमें बता दें क्या वाकई ऐसी बात है, ये जो लिस्टें हैं क्या ये लिस्टें फेक हैं। तो व्यूज़ आज की इस वीडियो में आपके साथ यही बात की जाएगी कि क्या ये वाकई फेक है या रियल है। जब FIA डिपार्टमेंट में कॉल की गई तो उन्होंने क्या कहा इस के मुतल्लिक, और जो व्यूअर्स जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिला है वो ऑफिस गए तो उनसे आगे क्या इन्फॉर्मेशन मिली। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल डिटेल से बात की जाएगी ताकि आपको कोई शक ना रहे क्या ये जो लिस्टें हैं ये फेक हैं या रियल हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो जी। तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले तो ये आपको पता चलूँ कि जो आपने लिस्टें देखी जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं या मुख्तलिफ वीडियोज़ में देख रहे हैं या फिर आपको ने जाके अपने रीजन में देखी हैं जोन्स में देखी हैं वो लिस्टें फेक नहीं हैं, वो रियल लिस्टें हैं। और जो ज्वाइनिंग लेटर मिल रहे हैं वो भी रियल हैं, फेक नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर FIA की वेबसाइट पर कुछ नहीं है तो लिहाजा ये फेक हैं। तो व्यूअर्स जब FIA डिपार्टमेंट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये लिस्टें ठीक हैं और ज्वाइनिंग लेटर भी हम भेज रहे हैं 2021 वालों का। और जब बाद में ये पूछा गया कि स्टाफ कार ड्राइवर्स की लिस्टिंग कब लग रही है तो आगे से रिप्लाई आया कि अभी हम जो नैबकासद के ज्वाइनिंग लेटर हैं वो सेंड कर रहे हैं, वो जारी कर रहे हैं उम्मीदवारों को उनके एड्रेस पर, तो उसमें बिजी हैं तो अभी स्टाफ कार ड्राइवर्स की जो लिस्टें हैं वो नहीं बनी। तो फिर जो व्यूअर्स जिनका 8 सितंबर को जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए जाना है वो भी बता रहे हैं कि हमने पूछा है तो वाकया ही हमें लेटर जारी हो जाएंगे और मिल भी जाएंगे 8 तारीख से पहले पहले तक। तो अब अगर किसी के जहन में ये बात है कि ये जो लिस्टें हैं या फिर जो तकदरी लेटर्स हैं वो फेक हैं तो अपने ये जहन से बात निकाल दें। 2021 वालों की लिस्टें आपको आपने देखी हैं। अब कुछ मेरे व्यूज़ ये भी कह रहे हैं कि सर हमने मुख्तलिफ वीडियोस में देखा है कि 2022 की लिस्टें भी लग गई हैं, हमने मुख्तलिफ चैनल्स पर देखा है सोशल मीडिया पर देखा है कि 2022 की लिस्टें हैं जो वो लग गई हैं। तो व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि अभी मेरे तक नहीं ये इन्फॉर्मेशन पहुंची कि 2022 की जो लिस्टें हैं वो लग चुकी हैं अभी तक मेरे इलम में, या फिर जो डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मिली या फिर व्यूअर्स ने मुझे बताया और जो व्यूअर्स गए थे कैंडिडेट्स गए थे उन्होंने मुझे बताया उसके बिना पर। और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि अभी तक जो 2022 वाली लिस्टें हैं वो मुझे तो नहीं मिली, ठीक है। जैसे ही मुझे मेरे पास आएंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जिस भी आप वीडियो पे या फिर चैनल पर देखते हैं तो आप उनको कमेंट्स करें, उनसे पूछें कि सर हमें वो लिस्टें दिखाएं किधर हैं, 2021 वाली दिखाएं, ठीक है। तो हमें इसके बारे में कोई प्रॉपर कोई कंफर्म न्यूज़ दें क्या ये वाकई 2022 वाली हैं या क्या हैं, ठीक है। तो अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन इस बारे में नहीं है, जैसी आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको रियलिटी का पता चल गया होगा कि लिस्टें फेक हैं या रियल हैं। दोबारा बताता चलूँ जो लिस्टें हैं या ज्वाइनिंग लेटर हैं वो रियल हैं, फेक नहीं हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।